नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। एक तरफ समाज में शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन वहीं शिक्षक जब अपने स्टूडेंट पर बुरी नज़र रखने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे। ऐसा ही एक मामला बिहार के डेहरी से आया है, जहां एक शिक्षक ने छात्रा से गंदी बात की है। दरअसल डेहरी स्थित रामारानी जैन बालिका विद्यालय की छात्राओं ने विद्यालय के ही शिक्षक सुनील कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्लास टीचर के मार्फत आवेदन देकर आरोपी शिक्षक पर छात्राओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नवी क्लास की छात्राओं का कहना है कि शिक्षक सुनील कुमार कहते हैं कि तुम आई लव यू बोलो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, क्या हम ज़्यादा उम्र के हैं, आई लव यू का जवाब कब दोगी। वहीं छात्राओं का कहना है कि हमें आदिवासी कहकर भी बुलाया जाता है, जिसमें विद्यालय के दूसरे शिक्षक श्रीपति सर भी शामिल हैं। इस पूरे मामले पर विद्यालय की हेड मिस्ट्रेस नीलम कुमारी ने कहा है कि विद्यालय के दो शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगने की शिकायत मिली है, जिसमें आरोपी शिक्षक सुनील कुमार फिलहाल अभी बिरमित हैं, वहीं दूसरे शिक्षक छुट्टी पर हैं, लेकिन मामले को संज्ञान में लिया गया है। 5 शिक्षकों की जांच कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। किसी भी कीमत पर बच्चियों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में इस तरह के मामले ना आए और बच्चियों में किसी भी तरह की असुरक्षा की भावना ना रहे। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए डेरी ऑन सोन से रुपेश कुमार की खास रिपोर्ट। और क्या कार्रवाई? बच्चियों का एक शिकायत लेटर उनके क्लास टीचर के माध्यम से आया है, और उसमें 2 शिक्षकों के नाम आते हैं, सुनील कुमार गुप्ता और श्रीपति जी। तो मेरे तक वो आवेदन आया, और बीपीएससी एग्ज़ाम और डीएलएड एग्ज़ाम भी है बीच में, और संबंधित शिक्षक एक छुट्टी पर हैं और दूसरे बिरमित हैं जुआ महोत्सव 2018 में। तो ये मामला क्या है, कहाँ तक सच है, क्या कहाँ तक इसमें तथ्य है, इसकी जानकारी हमको अभी मिली नहीं है। और हम सोच रहे हैं कि ये बच्चियों के माध्यम से, क्लास टीचर भी बोली हैं, लेकिन टीचर्स का एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी के माध्यम से इसकी सत्यता को जांच करते हैं कि कहां तक इसमें सत्यता है, और जो भी सही होगा उसको हम सभी मानेंगे, और अगर जो दोषी निकलेंगे उसके प्रति हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तो हम किस तरह के आरोप लगाए गए हैं बच्चियों द्वारा? बच्चियों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि शिक्षक उनके साथ गलत शब्द का इस्तेमाल किए हैं, और वो कहते हैं, उनको लगता है कि ऐसा सही नहीं है एक शिक्षक के द्वारा इस तरह से बात करना। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है, टीचर्स की कमेटी के द्वारा हम इसको साबित करेंगे, और दोषी पाए जाने वाले के प्रति हम लोग कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ताकि आगे ऐसा भविष्य में कोई कार्य ना हो और सुरक्षित रहे हमारा विद्यालय, चूँकि हमारी बच्चियों का है। और खुद हम महिला हैं एज HM, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी बच्चियों पर या महिला पर किसी तरह का कोई असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो और बच्चियाँ शिक्षा ग्रहण करने में हिचके। तो इसके